इसे क्या होगा, इम्पोज हो जाएगा, ये सुपर इम्पोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ दोनों ग्राफ, मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट। क्या होगा जब दोनों वेव एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, इससे क्या होगा, इसका भी डायरेक्शन ऊपर है, इसका भी डायरेक्शन ऊपर है, ये ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद ये डायरेक्शन की तरफ जाएगा नीचे। तो क्या होगा, इसका इंटेंसिटी और मैक्सिमम हो जाएगा, और इसका इंटेंसिटी और यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव वेवफॉर्म इंटरफेरेंस। अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव में। ये वेव मान लीजिए अपना पहला वेव है, दूसरा वेव अगर ऐसे चलना शुरू कर दे तो क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल है इसका जो वाइब्रेशन है वो जो हो गया नीचे वाला डायरेक्शन में, इसमें जो पार्टिकल इसका वाइब्रेशन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो हम लोग के पास जो नेट वेव बचेगा वो मिनिमम बचेगा, क्या बचेगा, मिनिमम। इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट। ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट और ये है आपका कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट। और डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम या मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और अगर इनको हमें दिखाना है किस पे, स्क्रीन पे अगर दिखाना है इंटरफेरेंस को, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट लेते हैं, दो स्लिट लेते हैं, स्लिट S1 एंड स्लिट S2। यहाँ से क्या निकलेगा, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट अगर जब निकला तो होगा क्या, जहां भी ये क्या करेगा, स्लिट से जैसे ही मिट करेगा, यहाँ से एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, एक नया वेव फ्रंट होगा, और फिर यहाँ भी स्लिट के दूसरे स्लिट के पास भी नया वेव फ्रंट होगा। ये क्या कर रहा है, देखिए, एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट से मीट कर रहा है, क्योंकि ये सेम सोर्स का वेव फ्रंट है तो इसका फ्रिक्वेंसी तो सेम ही है, और दूसरी बात ये कि इसका जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या है, सेम है, मीन्स कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ स्क्रीन पे जब ये आएगा तो इसको क्या दिखेगा स्क्रीन पर, ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, मीन्स यहाँ दिखेगा ब्राइट ब्राइट ब्राइट, और बीच में जो दिखेगा वो दिखेगा डार्क, बीच में क्या दिखेगा, डार्क, ये दिखेगा ब्राइट। मीन्स आपके पास एक फ्रिज बन जाएगा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, यहाँ होगा डार्क डार्क ब्राइट, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीन पे ऐसे दिखने लगेगा, इसी को ये जो फेनोमिना हो रहा है, ये फेनोमिना को हम लोग कहेंगे इंटरफेरेंस। ये जो आपको डार्क दिख रहा है, ये डार्क मीन्स ये, ब्राइट मीन्स ये वाला ग्राफ। ठीक है, ब्राइट मीन्स आपका है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये डार्क मीन्स आपका क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए, ब्राइट मीन्स ये थोड़ा सा ब्राइटनेस रहेगा इसमें, और डार्क मीन्स ये डार्क रहेगा, अंधेरा टाइप का रहेगा, डार्क मीन्स डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट मीन्स कंस्ट्रक्टिव। समझ गए, इंटरफेरेंस कैसे होता है ये आप समझ गए होंगे, फेनोमेना हम आपको ग्राफ के थ्रू भी बता दिए, और आपको जो है वाई डी एस सी, इसको वाई डी एस सी के थ्रू भी बता दिए। ये जो वाई डी एस सी देख रहे हैं, इनको हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोज में प्रूफ करने वाले हैं कि वाई डी एस सी का प्रूफ क्या है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखें। ठीक है, धन्यवाद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मीन्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स 12th का, जिसमें हम लोग इससे पहले वेव फ्रंट वेवलेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसके जो हम लोग बात करेंगे इससे आगे, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वाई डी एस सी, मीन्स हम लोग वाई डी एस सी से इंटरफेरेंस को प्रूफ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इंटरफेरेंस जो है होता क्या है ना। अब आप ऐसे समझिए, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें क्या होता है कि सेम सेम वेव जब क्या करता है, इंटरफेयर करता है, तो उसमें दो पॉइंट बनता है, एक मैक्सिमम बनता है, दूसरा मिनिमम बनता है। सेम वेव का मीनिंग क्या होता है, मतलब एक वेव मान लीजिए वाई वन है, दूसरा वेव वाई टू है, सेम वेव का मीनिंग ये है कि इसका फेज डिफरेंस, इसको डेल फाई बोलते हैं, या तो जीरो होना चाहिए
या तो डेल फाई कांस्टेंट होना चाहिए, फेज डिफरेंस मतलब दोनों का जो फेज का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए इंटरफेरेंस होने के लिए, या तो जीरो होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। अगर सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड कंडीशन में ये होना चाहिए कि सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो दो वेव होना चाहिए जिनसे इंटरफेरेंस होने वाला है, जिनका इंटरफेरेंस होने वाला है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग ये कैलकुलेट मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि इनका जो है इंटरफेरेंस होगा। अब हम लोग थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कि इंटरफेरेंस कैसे होता है ग्राफ के द्वारा। जैसे इंटरफेरेंस को अगर हम लोग समझें, तो अगर ग्राफ के माध्यम से समझें तो इंटरफेरेंस में आप सुने होंगे कि होता क्या है कि मान लीजिए y1 है, y1 वेव ये है आपका, ये है y1 वेव, और दूसरा ये है आपका y2 वेव। ये क्या है? y2 वेव। आपको पता है कि इसका फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी सेम है। अब क्या होगा, दोनों वेव, इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या होता है, दोनों वेव क्या करेगा, मिलेगा मिलेगा, तो ये वेव को उठाकर अभी यहाँ कर दीजिए। जब ये वेव ऐसे करके मिल जाएगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, यहाँ क्या बनेगा आपका, ये क्या बनेगा आपका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। अब इंटरफेरेंस भी दो टाइप का होता है, जो होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, जब ये ब्लू वाला वेव को अब ऐसे कर दीजिए, ऐसे शिफ्ट, ये वेव जब ऐसे शिफ्ट हो जाए, देखिए क्या हो रहा है, ये ऐसे ऊपर, ये नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ग्राफ, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव। यहाँ जब दोनों मिलेगा तो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होके इसका जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ये इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये आपका हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ गए। अब जो है हम लोग इनको एक क्या करते हैं, वाई डी एस ई के थ्रू समझ लेते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। वाई डी एस ई, वाई डी एस ई के थ्रू अगर समझें क्या होता है, एक सोर्स लिए, सोर्स में हम लोग दो स्लिट लिए, ठीक है। अब यहाँ से सोर्स है तो यहाँ से वेव प्रोड्यूस होगा, वेव जब प्रोड्यूस होगा तो आप पढ़े हैं कि जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ से एक वेव जो है फिर एक नया सोर्स की तरफ बिहेव करने लगा, एक न्यू सोर्स बन जाएगा, न्यू सोर्स, यहाँ भी एक वेव जो है न्यू सोर्स बन जाएगा, न्यू सोर्स बन गया वेव। अब क्या हुआ, जहाँ जहाँ इंटरफेयर हुआ, देखिए जहाँ जहाँ इंटरफेयर हुआ है वहाँ वहाँ बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ जहाँ इंटरफेयर हुआ, ये देखिए इंटरफेयर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ जहाँ भी इंटरफेयर हुआ। अगर यहाँ आप स्क्रीन लगाएंगे तो स्क्रीन में आपको मिलेगा, कहीं मिलेगा ब्राइट और कहीं मिलेगा डार्क, क्या मिलेगा, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज, क्या बोलते हैं इसी को, फ्रिंज, समझ गए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में हम लोग ये जानेंगे, इंटरफेरेंस का रियल मीनिंग ये होता है कि वेव का इंटरफेयर होना, वेव का मीटिंग होना, मीटिंग ऑफ टू वेव्स, टू और मोर वेव्स, बट हम लोग के जो सिलेबस में है वो टू वेव का मीटिंग है, मीन्स कि जब दो वेव मिलता है तो इंटरफेरेंस बनता है, ठीक है। और वेव कैसा होना चाहिए, वेव का कंडीशन आप देख चुके हैं, वेव पहली बात तो ये दोनों का जो फेज डिफरेंस है या तो जीरो हो जाए, या तो फेज डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट हो। दूसरा इसका फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ बोलते हैं आप, वो फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी का, दो वेव हो लेकिन दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम। सेम फ्रीक्वेंसी का वेव जब क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, मीन्स मिलता है, मीट करता है, तब होता है इंटरफेरेंस, ठीक है। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, स्क्रीन में जो है क्या बन जाता है आपका, डार्क एंड लाइट, क्या, डार्क एंड लाइट, हम लिखे हैं ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, ऐसे बनते जाएगा, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर इसको आप ब्राइट मान रहे हैं, इसको अगर ब्राइट मान रहे हैं तो ये होगा डार्क, अगर ये ब्राइट, ये देखिए ब्राइट, तो ये डार्क हो जाएगा, नीचे वाला डार्क,
देखिए ब्राइट डार्क कैसे बनते जाए, ठीक है, यही है आपका इंटरफेरेंस। चलिए अब इनको डिफाइन कर लेते हैं। इंटरफेरेंस को डिफाइन कर लेते हैं, हम लोग लिखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम लोग लाइट को क्या माने हैं, वेव। क्या लिखेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे व्हेन टू लाइट वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो ऑल्सो जीरो और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सुपर इम्पोज्ड ईच अदर अदर बिकम्स becomes get maximum point and minimum point। देखिए हम क्या लिखे हैं, when two light wave having same frequency, जब दो लाइट वेव का सेम फ्रीक्वेंसी होता है एंड ऑल्सो जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मीन्स कि जो वेव है वेव का फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, ठीक है, सुपर इम्पोज ईच अदर, क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा ईच अदर, मतलब सुपर इम्पोज करेगा अदर बिकम्स गेट मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट। तो हम लोग को क्या मिलता है, मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट, मीन्स उसका जो इंटेंसिटी होता है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कुछ इस टाइप से। देखिए एक वेव है अपना, ये वेव है, ठीक है, ये पहला वेव है और ये अपना दूसरा वेव है। अब ये वेव को मिलाने का दो तरीका है अपने पास। पहले क्या करेंगे, पहले इनको आप लिख लीजिए, अब दोनों वेव को मिला के दिखाते हैं। ये वेव को मिलाने का दो तरीका है। पहला देखिए, अगर क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास ये है वेव, दूसरा वेव, अगर ये भी वेव यही चलना शुरू किया, इसे क्या होगा, इम्पोज हो जाएगा, ये सुपर इम्पोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ दोनों ग्राफ, मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मीन्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट। क्या होगा, जब दोनों वेव एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, इससे क्या होगा, ये इसका भी डायरेक्शन ऊपर है, इसका भी डायरेक्शन ऊपर है, ये ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे। तो क्या होगा, इसका इंटेंसिटी और मैक्सिमम हो जाएगा, और इसका इंटेंसिटी और यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म इंटरफेरेंस। अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव में। ये वेव मान लीजिए अपना पहला वेव,
दूसरा वेव अगर ऐसे चलना शुरू कर दे तो क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल है इसका जो वाइब्रेशन है वो जो हो गया नीचे वाला डायरेक्शन में, इसमें जो पार्टिकल इसका वाइब्रेशन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो हम लोग के पास जो नेट वेव बचेगा वो मिनिमम बचेगा, क्या बचेगा मिनिमम, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट। ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट और ये है आपका कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट। और डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम या मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और अगर इनको हमें दिखाना है किस पे, स्क्रीन पे अगर दिखाना है इंटरफेरेंस को, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट लेते हैं, दो स्लिट लेते हैं, स्लिट S1 एंड स्लिट S2। यहाँ से क्या निकलेगा वेव फ्रंट, वेव फ्रंट अगर जब निकला तो होगा क्या, जहाँ भी ये क्या करेगा स्लिट से जैसे ही मिट करेगा तो यहाँ से एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, एक नया वेव फ्रंट होगा, और फिर यहाँ भी स्लिट के दूसरे स्लिट के पास भी नया वेव फ्रंट होगा। ये क्या कर रहा है, देखिए एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट से मीट कर रहा है, चूंकि ये सेम सोर्स का वेव फ्रंट है तो इसका फ्रिक्वेंसी तो सेम ही है, और दूसरी बात ये कि इसका जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या है सेम है, मीन्स कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ स्क्रीन पे जब ये आएगा तो इसको क्या दिखेगा स्क्रीन पर, ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, मीन्स यहाँ दिखेगा ब्राइट ब्राइट ब्राइट, और बीच में जो दिखेगा वो दिखेगा डार्क, बीच में क्या दिखेगा डार्क, ये दिखेगा ब्राइट, मीन्स आपके पास एक फ्रिज बन जाएगा डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। यहाँ होगा डार्क डार्क ब्राइट, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीन पे ऐसे दिखने लगेगा, इसी को ये जो फेनोमिना हो रहा है ये फेनोमिना को हम लोग कहेंगे इंटरफेरेंस। ये जो आपको डार्क दिख रहा है ये डार्क मीन्स ये, ब्राइट मीन्स ये वाला ग्राफ। ठीक है, ब्राइट मीन्स आपका है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये डार्क मीन्स आपका क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ गए। ब्राइट मीन्स ये थोड़ा सा ब्राइटनेस रहेगा इसमें, और डार्क मीन्स ये डार्क रहेगा, अंधेरा टाइप का रहेगा, डार्क मीन्स डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट मीन्स कंस्ट्रक्टिव, समझ गए। इंटरफेरेंस कैसे होता है आप समझ गए होंगे फेनोमेना, हम आपको ग्राफ के थ्रू भी बता दिए और आपको जो है YDSE, इसको YDSE के थ्रू भी बता दिए। ये जो YDSE देख रहे हैं इनको हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस में प्रूफ करने वाले हैं कि YDSE का प्रूफ क्या है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखें। ठीक है, धन्यवाद।